हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? और मैं यहाँ पर सुबह सुबह इन दोनों की वीडियो बना रही हूँ। एक तरफ बेटी सोई हुई है, एक तरफ पापा सोए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है, मतलब पानी भर के रख दिया। जब भी ये लोग उठ जाएंगे तो मशीन को चला दूँगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी मेथी के पराठे। और मेथी के पराठे क्या है ना, एक्चुअली मेथी गर्म होती है और सुबह सुबह इस तरीके के पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो तन्नु बोल रही थी कि मुझे भी पराठे खाने हैं, और ये बोल रहे थे कि मैं भी पराठे खा लूँगा। और सच बताऊँ तो क्या होता है ना कि मंडे तक हमारी सब्जियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो मंडे की सुबह सिर्फ मुझे मेथी ही मिली फ्रिज में रखी हुई। थोड़ी सी मेथी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनके पराठे ही बना दूँ। और मेरी मिक्सी जो है वो भी ख़राब हो चुकी है। बिना चटनी के हम लोगों ने पराठे खाए, चाय बना ली थी और साथ में मक्खन और अचार थोड़ा सा ले लिया था, और हम लोगों ने फिर इसी का नाश्ता किया था। उसके बाद में थोड़ा आटा मैंने बचा दिया था क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी के साथ में खाने का मन था मेथी की रोटी। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बाद में बनाई थी, जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ आपको। यहाँ पर सिर्फ पराठे बनाते हुए मैं दिख रही हूँ आपको। मम गोरी जलाम जी की मामाम मामाम कर दो, आती है मामाम करनी मामाम बता। हेलो जी नोनी, ये मेरे साथ खेल रही है ये अभी, और इसको गुस्सा आ रहा है। मैं चली गई थी सामान लेने। नोनी रुको बेटा, रुको 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 रुको, अभी खेलेंगे ना हम लोग। आ जाओ नोनी, लेना फोन। ये नई ड्रेस पहनी है आज? नया 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 लिया था मैंने। खुश हो रहे हैं? और मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाया नन्नू। या ठीक है भाई, देख लो झाड़ू लाई है मेरी बीवी मेरे लिए झाड़ू। ठीक है, हाँ ऐसी चीज लाती है जिससे उनका भी फायदा हो, ताकि मैं झाड़ू लगाऊं, मेरे को झाड़ू लगाने का एक्सपीरियंस रहे, आदत रहे और तजुर्बा हो जाए, ताकि मैं घर में लगवानी हो ना इनको झाड़ू तो अच्छे से लगा पाऊं। देख लो मैं घर में आपको झाड़ू नहीं लगवा दे यार, ये वाली झाड़ू ना काफी अच्छी निकलती है। कितने साल चलाई है आपने एक झाड़ू? 2 साल चलती है। 2 साल चलाई है क्योंकि दुकान पे ही लगानी होती है ना। काफी अच्छी है, बढ़िया है। मेरे को उस दिन मैंने लगाई थी ना दुकान पे, तो मेरे को लग रहा था वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है बेचारी। ये क्यों ले आए? वो तो उसका आगे खस्ता थोड़ा सा तोड़ दिया मैंने, वो भी 1 साल और चलेगी अभी। एक साल ही तो चली। तो ये एडवांस में 1 साल के लिए रखोगे? रखूंगा क्या करूं मैं, वो उसको क्यों वेस्ट करूं मैं, अभी 1 साल और चलेगी ना वो। यार 3 साल एक झाड़ू नहीं, 2 साल ये वो झाड़ू पिछले साल आई थी, पहले वाली झाड़ू 2 साल चली थी, पिछले साल दिवाली पे तो आई थी। मतलब मेरा गिफ्ट नहीं पसंद आया आपको? नहीं, नहीं, या, पसंद तो इतना, या तो इतना पसंद आया कि इसे संभाल के रखूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, बस तो यहाँ पर मंडे मार्केट लग चुकी है। ये भैया बोल रहे थे कि हमें बाजार लगाने दो, तो आज मैंने बोला कि आप रहने दो बाहर, फोल्डिंग मत लगाओ, क्योंकि ये भैया थोड़ी सी ज्वेलरी लेकर के आए थे। मैंने कहा आप इनको लगाने दो, आज हम नहीं लगाते हैं, आज सिर्फ अंदर का ही देख लेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मंडे मार्केट में बाहर हम
कपड़ों के टुकड़े लगाते हैं या गरम माल लगाते हैं, तो आज मैंने मना कर दिया था। और बाज़ार अभी लग ही रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, अब लगना शुरू हुआ था क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इस टाइम ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी और शाम हो चुकी है, जबकि इतना टाइम नहीं हुआ था। आती है? अरे अच्छा, हेलो बोल दो। हेलो, ये मेरी सब्सक्राइबर हैं और दुकान पे भी आई हुई हैं और बहुत अच्छी कस्टमर हैं। हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं अभी दुकान पे ही हूँ। ये सामान रखने गए हैं, गौरी तनु घर पे हैं, गौरी सोई हुई है तो तनु के पास नहीं है। क्या सब्जी मैं ले आई हूँ थोड़ी थोड़ी, टाइम 5 बजने वाला है मेरे ख्याल से, 5:30 शायद, देखती हूँ। कहाँ गए थे ये बेचारे, एक का वेट कर करके थक गए हैं। ठंडी लग रही ना? ठंड लग रही यार, हवा चल रही यार। उन भैया के तो बोनी भी नहीं हुई अभी, सारा माल मेरा पास चले ना, मैं इन लोगों का सारा माल खरीद खरीद के रख लूं। हाँ। गौरी सो रही है ना, जग गई है, जाओ तुम। चलो मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी और इस टाइम मैं खाना वाना बना कर के फ्री हो चुकी थी। घर ये भी आ चुके थे, मैं ये लेट नाइट का है, कपड़े धुले हुए रखे थे और ये धुल चुके थे, ये वाले सूख चुके थे, मैंने उतार लिए हैं। खाने में मैं बना करके दुकान पे पहुंचा दिया था तो इन्होंने दुकान पर ही खा लिया था, तन्नू ने भी जल्दी खा लिया था और मैंने भी। तो मैं फ्री हो चुकी थी, फ्री तो खैर बच्चे के साथ में क्या होना है, मतलब ये रहता है कि ये भी काम ख़त्म हो जाए, ये भी काम ख़त्म हो जाए। तो ये जो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में कपड़े दिखाए थे गौरी के, व्लॉग में नहीं दिखाए थे, अलग से विंटर वाली वीडियो बनाई थी मैंने, विंटर कलेक्शन गौरी की जो है मेरे पास में कपड़े, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वही सारे जितने भी नए कपड़े हैं उनको मैंने धोया था इजी में डाल करके और डिटॉल के पानी में सारा डिप करके। मैंने ये जितने भी नए कपड़े यूज करती हूँ मैं गौरी के, हमेशा मैं पहले धो करके फिर पहनाती हूँ। तो जितनी भी नई पजामी हैं, नए कपड़े बुने हुए हैं, एक्चुअली हाथ के बने हुए भी कपड़े थे इसमें, तो क्या है ना, हाथ के बने हुए कपड़ों में ऊन को कहीं पे भी रख देते हैं या हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं, तो इनको धोना ज़रूरी हो गया था। और यहाँ पर तन्नु भी बैठी हुई थी, ये भी बैठे हुए थे, हम तीनों बातें करने में लगे हुए थे। यहाँ मुझे अच्छे वाली डांट पड़ रही थी क्योंकि मैंने टब को रखा था नीचे और बार बार मैं झुक के कपड़े उठा रही थी, तो यहाँ अच्छे वाले डांट पड़ रही थी, बोल रहे थे कि टब को ऊपर नहीं रख सकते हो, कमर दुख जाएगी तुम्हारी, मत करो इस तरीके से काम। तो अभी बाद में मैंने टब को उठा के भी ऊपर रखा था, आगे आप देखेंगे। तो ये जो हैंगर लगे हुए हैं इनका मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है और मैंने सोचा कि रात के टाइम मैं डाल देती हूँ और अगली सुबह मैं देख लूँगी कि धूप निकलेगी तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ ये कपड़े यहीं पर इसी तरीके से सूखते रहेंगे। विंटर में कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ का तो पानी इतना ठंडा होता है ना कि कपड़े धोने में आफत आ जाती है, या तो गर्म पानी यूज करो, लेकिन कितना गर्म पानी यूज करूँ, कितना गीजर चलाऊँ कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन कोशिश यही रहती है गौरी के कपड़े साथ के साथ धुलती रहूँ मैं, रात को नहीं धुलती हूँ, दिन में ही धोती हूँ। तो जितने कपड़े इसमें, वैसे इस हैंगर में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, मैं बैठ करके अच्छे से बात नहीं कर पाई और आज का व्लॉग भी मैं पूरा नहीं बना पाई, थोड़ा सा ही बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एडिट करके मैं इसे डाल दूँगी, अदरवाइज मेरा व्लॉग नहीं जा पाएगा टाइम से। टाइम तो खैर मेरे व्लॉग का है ही नहीं। अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं मॉर्निंग से इवनिंग किसी भी टाइम डाल देती हूं, वैसे मोस्टली ये होता है कि मैं इवनिंग में ही व्लॉग डालती हूं अपना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि बिना मन के भी करना अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर देखो टब मैंने ऊपर रख लिया है क्योंकि डांट पड़ी थी, और टोपा देखो मैंने उल्टा पहन लिया है, मेरा जो फ्लोवर है वो पीछे चला गया है। यहाँ पे तन्नू को भी डांट पड़ रही थी किसी बात पे, वैसे तो हम तीनों इसी तरीके से डांटते रहते, मतलब आपस में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं हम तीनों, जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ बस बातें ही बातें होती हैं।
चुप नहीं बैठते हैं कहीं पर भी, कभी भी किसी भी व्लॉग में देख लेना हम लोगों को, चाहे मैं काम कर रही हूँ या आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए आगे मिलते हैं। और यहाँ पर ये पापा बेटी का बहुत अच्छा वाला प्यार मुझे दिखा। रात को मैं ऊपर से आई थी तो ये सो चुके थे और इन्होंने हाथ में बलून पकड़ा हुआ था। गौरी उसके साथ खेल रही थी, मतलब सोते सोते भी इन्होंने बलून पकड़ा हुआ है। बहुत प्यारा सा पल था। मतलब कितनी चिंता होती है एक पापा को अपने बच्चे की, कि इस तरीके से सोचा उन्होंने मैं सो भी जाऊँगा, थक गया हूँ और ये खेल लेगी।